पाकिस्तान का जो पूरा निजाम है, पूरी गवर्नमेंट है, वो एक ही मुद्दे पे रहती है कि हमें पैसा कहां से मिले, फ्रॉम वेयर कैन वी गेट मनी, उनका एक ही है। तो अगला $5 बिलियन कहां से आएगा, इसकी बात बताइए। और प्राइम मिनिस्टर नेशनल टेलीविजन पे जाके कौम को मुबारकबाद देता है पाकिस्तानी लोगों की, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हमें $2 बिलियन लोन मिल गया है। आपने कभी ऐसा देखा किसी मुल्क में कि वहां का प्रधानमंत्री जाके ये बोलता हो, पूरे पूरे लोगों को जाके मुबारकबाद देता हो कि बहुत बहुत मुबारक है, आप फिर कर्जे में डूब गए। लेकिन पाकिस्तान में रिवाज है, लोग खुश होते हैं, लोग मिठाइयां बांटते हैं, तालियां बजाते हैं। देखो कितना सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर है, क्या भीख मांगता है ये, हमने ऐसा भिखारी आज तक नहीं देखा। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं रौनक, मेरी बात हो रही है मेजर गौरव आर्या से, एडिटर इन चीफ चाणक्य फोरम। बड़ी जबरदस्त मैगजीन है और चाणक्य फोरम का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर क्लिक करें। इससे पहले भी जो दो वीडियोस गए उसमें हमने इंडिया और चाइना से जुड़े कई सारे मुद्दों पर सर से बात करी है। ये जो सवाल सर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो है चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते से जुड़ा हुआ, क्या भविष्य है चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते का, क्योंकि जब बात CPEC की होती है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, सो एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी वाली गुलामी लेकर आए ये CPEC। कैसे देखते हैं आप इसको? रौनक भाई, गुलामी ले आया है, गुलामी ले ऑलरेडी हो चुकी है, ये कोई नई बात नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूं कि अभी $9 बिलियन का चाइना को लोन देना था पाकिस्तान को, वो 6 बिलियन हो गया, 6 बिलियन से जीरो कर दिया चाइना ने। चाइना ने बोला तुम्हें 1 टका नहीं देंगे, तुम इस लायक ही नहीं हो, वापस तुमने करना नहीं है। ठीक है, 2 साल से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर रुका हुआ है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में कुछ काम नहीं हो रहा क्योंकि पाकिस्तानियों ने इतना करप्शन कर दिया कि चाइना पक गया इनसे। लेकिन फिर भी जो इनके मोटरवेज हैं, जो इनके सुपर हाईवेज हैं, बड़े बड़े शानदार हाईवेज बनाए हैं चाइना ने पाकिस्तान में, और उसके अवज में अब ये कुछ वापस नहीं कर पाए पाकिस्तान। ऑब्वियसली पाकिस्तान इज गॉट नो मनी, कहां से पाकिस्तान वापस करेगा। तो रौनक भाई, हुआ ये है कि एक एक करके इन लोगों ने क्या करा है कि इनके एयरपोर्ट गिरवी रख लिए, इनका कराची का, लाहौर का, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट गिरवी है, इनका इनके जो पाकिस्तान रेडियो की बिल्डिंग जो है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, वो गिरवी है। F9 पार्क है इस्लामाबाद में, एक बहुत बड़ा पार्क है जिसमें बच्चे जाते हैं, बुजुर्ग जाते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं दौड़ते भागते सवेरे, जो सेहत पसंद लोग हैं, वो इन्होंने गिरवी कर दिया। तो मुल्क की बहुत सारी चीजें इन्होंने गिरवी रख दी हैं चीन को, दे हैव मॉर्गेज देयर एंटायर कंट्री टू द चाइनीज। बट रिश्ता ऐसा नहीं है, अब ये अमेरिका से, अब चाइना ने मना कर दिया, पाकिस्तान क्या करेगा? तो पाकिस्तान की कोई दोस्ती नहीं है चाइना के साथ, चाइना पाकिस्तान के लिए सोर्स ऑफ फंड्स है, पाकिस्तान एक अंधा कुआं है जिसमें जितना पैसा डालो उतना कम है। अब एक बाप तो अलग हो गया ना चाइना, क्योंकि चाइना ने बोला हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। अब पाकिस्तान को अगले साल करीब 25-30 बिलियन डॉलर चाहिए, अब वो उस जुगाड़ में लग गया है, क्या वो अमेरिकन पैसा देंगे हमें, क्या वो हमें सऊदी पैसा देंगे, हमें पैसा कौन देगा, कोई मुसलमान मुल्क है जो पैसा देगा? अब वो इस जुगाड़ में लग गए कि कोई हमें पैसा दे दे। पाकिस्तान का जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जो कि बहुत जरूरी है, जो पाकिस्तान का पाकिस्तान की जो फौज है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, पाकिस्तान का जो पूरा निजाम है, पूरी गवर्नमेंट है, वो एक ही मुद्दे पे रहती है कि हमें पैसा कहां से मिले, फ्रॉम वेयर कैन वी गेट मनी, उनका एक ही है। तो वो उनका बिजनेस मॉडल अलग है और देशों से। हम लोग कहते हैं कि साहब अस्पताल कम है, अस्पताल बनाया जाए, एजुकेशन का हालत थोड़ी सी खराब है, एजुकेशन होना चाहिए, ये होना चाहिए। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में ये बताइए साहब अगला $5 बिलियन कहां से आएगा, इसकी बात बताइए। और प्राइम मिनिस्टर नेशनल टेलीविजन पर जाके कौम को मुबारकबाद देता है पाकिस्तानियों को कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो, हमें $2 बिलियन लोन मिल गया है। आपने कभी ऐसा देखा किसी मुल्क में कि वहां का प्रधानमंत्री जाके ये बोलता हो, पूरे पूरे लोगों को जाके मुबारकबाद देता हो कि बहुत बहुत मुबारक है, आप फिर कर्जे में डूब गए? लेकिन पाकिस्तान में रिवाज है, लोग खुश होते हैं, लोग मिठाइयां बांटते हैं, तालियां बजाते हैं। देखो कितना सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर है, क्या भीख मांगता है ये, हमने ऐसा भिखारी आज तक नहीं देखा। तो उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है, आप और मैं समझ नहीं पाएंगे पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान बड़ा हाई लेवल की चीज है रौनक भाई। थैंक यू सर। एक आखिरी सवाल यही है कि क्या चाइना के पैरेलल भारत ही एक ऑप्शन है अलग अलग तरीकों में उसको सही जवाब देने के लिए, क्या लगता है? देखिए हमें तो कुछ नहीं करना है, हमें ये जो हमारी इकोनॉमी है इसको बिल्डअप करना है, चाइना के साथ इकोनॉमिक डीकपलिंग होनी चाहिए, जो हर चीज पे हम चाइना पे डिपेंडेंट है कि चाइना से ये आएगा वो आएगा, आपको खुद अपना इंडस्ट्रियल बेस बनाना है। और इंडिया ही है जो चाइना के खिलाफ लड़ सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। अमेरिका बहुत दूर है, यूरोप बहुत दूर है, बगल में तो हम हैं चाइना के। और उसका एक और कारण है, मैं लड़ाई की बात वैसे नहीं कर रहा कि जंग हो जाए, लेकिन चाइना आपको कभी जिंदा रहने नहीं देगा चैन से। अगर आप ये सोचते हैं कि चाइना को अगर हम बोले कि ठीक है तुम अपना काम करो यार, हम अपना काम करें, क्यों इस पचड़, वो कॉन्सेप्ट नहीं है चाइना में। चाइना अपने आप को दुनिया का बाप मानता है और चाइना लड़ेगा आपसे, चाहे आपको लड़ाई चाहिए कि नहीं चाहिए।
तो अगर आपको पता है लड़ाई आ रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम गलवान की बात करते हैं, ठीक है, क्या आपको ऐसा लगता है कि अगले साल चाइना कहीं और नहीं आएगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे? इस साल पीछे चला गया, अगले साल फिर आएगा वो, पहले डोकलाम में आया था 2-3 साल पहले। ये करता रहेगा कुछ ना कुछ जब तक ये अपना मकसद हासिल ना कर दे। तो इसके पहले चाइना कुछ करे, आपको कुछ करना है, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। चाइना के साथ कंफ्लिक्ट अभी हमारी शुरू हुई है, ये कहां तक जाएगी ये हमें देखना है, और हमारी क्या तैयारी है ये हमें देखना है। थैंक यू वेरी मच मुझे गौरव आर्य हमसे बात करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। फिर से मिलेंगे, कुछ और सवाल हमारे पास होंगे, कुछ और मुद्दे होंगे, उस पर आपसे जरूर बात करेंगे। जय हिंद सर, थैंक्स अ लॉट। रौनक भाई बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इन्वाइट करने के लिए, और आपके जितने भी दर्शक हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाणक्य फोरम का ऐप जो है वो iOS यानी एप्पल का और एंड्रॉइड का दोनों अवेलेबल, आप डाउनलोड करिए और फ्री में टॉप जो माइंड्स हैं इंडिया के और बाहर के उनके आर्टिकल्स हैं आप पढ़िए, और वी रिक्वेस्ट फॉर योर ब्लेसिंग्स एंड योर सपोर्ट। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो अगर आपको सही लगे तो इसे जरूर शेयर करिएगा, हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक पे दिख रहे तो हमारे पेज को लाइक करिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी टैग करके बताइएगा कि वीडियो का सबसे अच्छा हिस्सा आपको कौन सा लगा, किस और मुद्दे पर आप बातचीत सुनना चाहते हैं, आपको लगता है जिस पे हमको बात करनी चाहिए वो मुद्दा, वो टॉपिक हमें कमेंट करके भी जरूर बताइएगा। जब आप कमेंट करिएगा तो ये बताइएगा कि आप देख कहां से रहे हैं इस वीडियो। अपना ख्याल रखें, जल्दी मिलते हैं, नमस्कार, जय हिंद। सॉरी दोस्तों, एक और इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करनी थी, वो ये कि जैसे ये वाली वीडियो आपने आरजे रौनक चैनल पर देखी, आपको बाकी के चैनल्स भी हमारे पता ही होंगे, आरजे रौनक नोपो, जिस पे डेली क्रिकेट से जुड़ी सबसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती हैं आपको डेली, ठीक है। बाकी इसके अलावा आरजे रौनक रिव्यूज चैनल है, जिसपे आप मूवीज हो, वेब सीरीज हो, बुक्स हो, उसके रिव्यूज देखते हैं, और असली बउआ चैनल, जिसपे बउआ बहुत सारी मस्ती आपके लिए लेकर आता है। नमस्ते जी अंकिल, मैं बउआ बोल रही हूँ। उम्मीद करते हैं आपने हमारे सारे चैनल सब्सक्राइब किए होंगे, साथ ही साथ अगर ये वीडियोज जो सारे चैनल्स पे वीडियोस जाते हैं वो वीडियोस अगर आप सीधा अपने मोबाइल पे चाहते हैं तो दो चीजें करनी है, रौनक का ऐप अपने मोबाइल फोन में, जितने भी एंड्रॉइड यूजर्स हैं फटाफट डाउनलोड कर लीजिए रौनक का ऐप, ठीक है। इसके साथ ही साथ आप हमको टेलीग्राम पे भी पिंग कर सकते हो, आरजे रौनक ऑफिशियल, उस पे भी ज्वाइन करो, वीडियोस कोशिश करेंगे सीधा आपके मोबाइल पे टेलीग्राम पे आपको पहुंचा दे, ठीक है। अपना ख्याल रखना, जल्दी मिलते हैं, जय हिंद।